नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। न्यूज मॉर्टम में आप सबका स्वागत है और यह हमारा खास कार्यक्रम है। और मुझको कहना यह चाहिए कि इस विशेष खबर के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्योंकि न्यूज मॉर्टम जो है वो एक तरह से पोस्टमार्टम है और पोस्टमार्टम के अंदर, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को बुलाना उचित नहीं होता। और लेकिन ये इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप ये देख रहे हैं कि हमारा यह एपिसोड लगातार परवान चढ़ रहा है और हम हर दिन दो या तीन चार खबरों की का अंत्य परीक्षण करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं गहराई से और उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कि ये एक सामान्य जिज्ञासा होती है कि कोई खबर अगर चल रही है तो इसके पीछे के निहितार्थ क्या हैं और ये इसके पीछे की जो खबर पैरेलल चलती है पर्दे के पीछे, वो खबर क्या है। आज हम लोगों ने जिन खबरों का चयन किया है उसमें मैं सबसे पहली जो खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और आपने आज कई अखबारों में देखा होगा कि एक अचानक जब चुनाव आखिरी चरण में आ गया है तब अखबारों में एक खबर अचानक आपको दिखी होगी और वो खबर थी तिब्बतियों के मताधिकार को लेकर। और जब से ये सुबह से ये खबर मैंने देखी और मैं उसके बैकग्राउंड में गया और मैंने वो थोड़ा पीछे के अखबार मैंने तलाशे और पीछे की जो के चैनल की जो खबरें थी उसको मैंने चैनल्स पे देखा और पाया कि तिब्बतियों का जो समाचार है वो आज अचानक आखिरी चरण के पहले क्यों है। अब इसकी समीक्षा करने का और इसका पोस्टमार्टम करने का एक जो दिमाग बना वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और उस पर यह हुआ कि आखिर ये खबर आज अखबारों में छापने का या दिखाने का क्या तुक है। अब आप ये देखें कि तिब्बतियों का जो मसला है वो तिब्बती, आप जानते हैं कि तिब्बतियों की निर्वासित एक सरकार है भारतवर्ष में जो तिब्बती शरणार्थी हैं। और तिब्बती जब चीन से निकले और चीन से निकाले गए, चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत के लोग जो हैं वो भारतवर्ष की तरफ भागे, उसमें दलाई लामा खुद भी शामिल थे माफ़ करिएगा, और ये सब लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वो धर्मशाला में इनका एक मुख्यालय बनाया गया और निर्वासित सरकार का वो मुख्यालय है और यहाँ तिब्बती लोग रहते हैं और उस मुख्यालय को सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और वहाँ पर जो निर्वासित सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यहाँ रहते हैं और जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा वो भी यहाँ रहते हैं। और इसके साथ साथ हम संख्या पर भी आएंगे बाद में, हज़ारों हज़ार तिब्बती जो लोग हैं जो शरणार्थी हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, एक बड़ी संख्या दिल्ली में भी है और राज्य के देश के अन्य क्षेत्रों में भी तिब्बती रहते हैं। आज अचानक जो खबर आज छपी है उसमें यह है कि जो 6 दशक से भी ऊपर समय से जो तिब्बती यहाँ रह रहे हैं वो तिब्बती अब भारत की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। यह जो भारत की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं इसके पीछे की जो चाहत है या इसके पीछे का जो इरादा है या इसके पीछे का जो एजेंडा है ये क्या हो सकता है। और ये इन सवालों से जब आप होकर गुजरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर खबर क्यों छापी गई, ये खबर छापी गई या प्लांट की गई, इसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर जो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, उसको लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं और इन तथ्यों पर आपसे बातचीत करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर साथी हैं तुषार, उन्होंने कुछ वोट देते हुए कुछ लोगों का और कुछ ये तस्वीरें हैं वो आप देखें और उसके बाद हम बातचीत में उतरेंगे। आप टॉप बैंड देख रहे हैं ऊपर जो लिखा है कि रोहिंग्या कैसे डाल रहे हैं वोट, ये एक सवाल है। और चुनावी चकल्लस में कहां खो गए कश्मीरी पंडित, ये एक सवाल है। तिब्बतियों के मताधिकार पर क्यों अब होने लगी चर्चा, यह एक सवाल है। और घुसपैठियों को मताधिकार देने का बहाना तो नहीं है, यह भी एक सवाल है। लेकिन वो जो पीछे के जो 2-3 सवाल मैंने रखे उसका यह जवाब भी हो सकता है।
आप ये देख रहे हैं वोट देते हुए लोग, और जैसा मैंने पहले बताया कि हिमाचल के धर्मशाला में जो तिब्बतियों के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और वो निर्वासन में, वो भारतवर्ष ही उनका घर है, भारतवर्ष की संस्कृति के साथ वो घुल मिल गए हैं, और वो जो तिब्बत की जो जो निर्वासित सरकार है भारतवर्ष में, उसके जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर लोबसंग सांगे, ये जो है ये भी ये भारतवर्ष में ही रहते हैं, और हिमाचल में ही, जो आपको मैंने बताया कि धर्मशाला में वो रहते हैं, और जिला कांगड़ा में 20,000 शरणार्थी रहते हैं, और हिमाचल के धर्मशाला शिमला सब मिलाकर करीब 40,000 तिब्बती रहते हैं। अब वो संख्या और भी बढ़ती ही चली जा रही है। अब इस पर जो है ये आप देखें कि ये एक खबर आई आज छपी, और इसके प्रसंग में ये भी बात आई कि चुनाव आयोग ने 2014 में ही कहा था कि जो तिब्बती 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जिनकी पैदाइश हुई है भारतवर्ष में, वो जो हैं वो भारत में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वो बाकायदा यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। और अभी तक की जो खबर है, हिमाचल के विधानसभा चुनाव में जिस समय चुनाव हुआ था उस समय 1450 तिब्बतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, और ये इस लोकसभा चुनाव में भी थोड़े बहुत रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन संख्या उस तादाद पर नहीं है। इसके पीछे, इस खबर के पीछे क्या तिब्बतियों को भारतवर्ष की नागरिकता बनाने का की वकालत है, या किसी और जनसंख्या को इस बहाने भारत की नागरिकता देने का एक जतन है, प्रयत्न है, इस बात की समीक्षा आपको करनी है, और इस बात की समीक्षा हम करके इसका जो एक पोस्टमार्टम है वो करके हम आपके समक्ष रखेंगे। और आप ये जानते हैं कि जिस तरह से एक बार कर्नाटका हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया था, और कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग ने कहा था कि तिब्बतियों को वोटर राइट मिलना चाहिए, और वोट देने का जो उन्होंने चुनाव आयोग ने अधिकार दे दिया था, उस अधिकार पर आज बहस चल रही है। और इस बहस के पीछे जो हमारी फाइंडिंग है वो ये है कि इस बहस के पीछे उन सारे लोगों को मताधिकार दिलाने का जतन है, कुप्रयास है, जतन नहीं कुजतन है, कुप्रयास है, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल है। अब आप ये देखें कि जिस तरह से आप तिब्बतियों की जनसंख्या जो भारतवर्ष में रह रहे हैं उसमें कुछ जनसंख्या, कुछ ही लोग हैं जो नागरिक बन पाए हैं, बाकी सब वो तिब्बती हैं, वो एक शरणार्थी का जीवन गुजार रहे हैं, शरणार्थी का उनको कार्ड मिला हुआ है बाकायदा, और उनको एक ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, और एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अधिकांशतः तिब्बती आपको मिलेंगे जो तिब्बती आपसे ये कहेंगे कि हमारे, अगर हम नागरिक हो जाते हैं तो हमारा ग्रीन कार्ड छिन जाएगा, और हमारा जो NRC है वो छिन जाएगा, और वो इस बात पर राजी नहीं है कि वो NRC और ग्रीन कार्ड छोड़ दें और भारत के एक नागरिक के रूप में रहें। यह तिब्बतियों की मंशा है, लेकिन उसके बरक्स, उसके समानांतर जितने पाकिस्तानी, जितने बांग्लादेशी और जितने जो रोहिंग्याज जो हैं, जो शरणार्थी चोरी छुपे जबरदस्ती घुसे हुए हैं, भारतवर्ष की धरती है जो जिसका राज है घुसा हुआ है, और यहाँ पर उनको मताधिकार, मत उनका जो जो मतदाता सूची है उसमें नाम है, राशन कार्ड बना हुआ है, उनका पहचान पत्र उनका बना हुआ, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि उनके पासपोर्ट तक बने हुए हैं और उनके पैन कार्ड तक बने हुए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन आपको यह बता दें कि इन्हीं तिब्बतियों के बहाने ये जो रोहिंग्याज हैं और बांग्लादेशी जो हैं, जो इलीगल, जो घुसपैठिए हैं, उनको उनकी लीगलिटी का जतन किया जा रहा है, और उसके लिए जो लीगल एक स्वरूप होता है कि जैसे केस का हवाला देते हैं और उस केस के हवाले से कुछ और चीज़ों को उसको जनरलाइज कर देते हैं, तो तिब्बतियों को जो वोटर राइट देने का जो कानून का फैसला, वो हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले की को तस्दीक किया था,
अब पेंच यहाँ खड़ा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का और कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मद्देनज़र बांग्लादेशियों और रोहिंग्याज को फ़ायदा पहुँचे और उनको उनको एक भारतवर्ष में अधिकृत मतदाता के रूप में उनको एक मान्यता मिल जाए। यह एक कुत्सित प्रयास चल रहा है और आज की जो खबरें हैं तिब्बतियों के नाम पर वो तिब्बतियों की नहीं है, दरअसल उसके पीछे की मंशा जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को मान्यता दिलाने और उनको मताधिकार दिलाने का, लीगलाइज करने का मसला है। अब मैं तुषार आपसे आग्रह करता हूँ कि वो जो दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभु राजदान, कश्मीरी पंडितों को लेकर काफ़ी काम है उनका, आप सब लोग उनको जानते होंगे, प्रभु राजदान से फ़ोन पर बात करने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे बात हो जाए तो आपको उनकी बात सुनाते हैं। अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे भी पीसीआर से आग्रह है, तुषार जी आपसे आग्रह है जैसे ही उनसे संपर्क हो जाए मेरे से मुझको बता दीजिएगा, और ताकि एक प्रभु राजदान जी की बातें सुनेंगे तो एक बात होगी। और ये कश्मीरी पंडितों का जिक्र आया और इसका जिक्र आना ही था। अब सवाल ये उठता है कि बाकी सारे लोग, वो जो तथाकथित मानवाधिकारी और तथाकथित ये जो प्रगतिशील और मानवतावादी लोग हैं जिनकी चिंता रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को लेकर है, जिनकी चिंता मैं आपसे बता दूं तिब्बतियों की जो के बारे में जो चिंता है, तिब्बतियों का अपना एक स्टैंड है और उस स्टैंड का हम सम्मान करते हैं, इसलिए कि उनका स्टैंड है कि वो तिब्बती हैं और वो उस आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहते। लेकिन ये जो बांग्लादेशी हैं और ये जो रोहिंग्यास हैं, इनका अपनी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये संसाधनों को खाने वाले तत्व हैं और ये तत्व भारतवर्ष को दीमक की तरह खाएंगे। इनका अपनी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है, इनको इनको केवल ये है कि इनको मान्यता मिल जाए, वो भारतवर्ष में रह जाएं, भारतवर्ष के संसाधनों का दोहन करें, खाएं, वोट डालें और नेताओं को जितवाएं और मौज करें। यह एक मसला है। और आप ये देखिए कि एक बड़ा वोट चंक है, एक बड़ा वोट बैंक है, और ये वोट बैंक की राजनीति ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। अब आप ये देखिए कि ये सारी बातें होती हैं, प्रभु राजदान जी जुड़ गए हैं और ये कश्मीरी पंडितों के मसले पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले प्रभु राजदान जी से सवाल करते हैं कुछ और आपको सुनवाते हैं। मेरी आवाज़ जा रही है राजदान साहब? हाँ जी, राजदान साहब आपको बहुत नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन हूँ और राजदान साहब आपसे संपर्क हुआ, अभी जनता दीर्घा के समक्ष आप हैं और हम लोग ये लेके बैठे हैं, आज जो अखबारों में खबर आई है कि तिब्बतियों के मताधिकार को लेकर लोग चिंतित होते हैं, रोहिंग्याज वोट डाल रहे हैं, बांग्लादेशियों को लेकर लोग चिंतित होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के बारे में बात नहीं करता और वो जो है उनको उनके वापस घर लौटने पर कोई बात नहीं होती, वो कैसे वोट डाल पाएंगे, उनका मताधिकार कैसे उनके मताधिकार का इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर कोई बात नहीं होती। राजदान साहब आपकी पीड़ा, आपका जो दर्द है और उसके साथ साथ आपकी जो फाइंडिंग्स है एक पत्रकार की दृष्टि से, उसके बारे में जनता दीर्घा सुनना चाहती है। इनफैक्ट कश्मीरी पंडितों का जो इशू है ना, ये विचित्र इशू अब बनता जा रहा है कि 30 साल पूरे हो गए हैं 89-90 में उग्रवाद जो है आर्म्ड इंसर्जेंसी एकदम से इरप्ट हो गई और उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं को लाखों की तादाद में लोगों को एकदम से निकलना पड़ा और वो भी जो माइनस टेम्परेचर में रहने वाले लोगों को एकदम से 30 और 40 डिग्री 50 डिग्री में घूमना पड़ रहा है और पूरे वर्ल्ड में अब कश्मीर के बाहर पूरी इंडिया और इंडिया के बाहर भी बिखर पड़ा ये कम्युनिटी, इसलिए ये वोट बैंक है नहीं। और अब देखिए हालात ये है कि आपको इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, आप रहते हैं शिमला में, सपोज आप रहते हैं बेंगलोर में, आप रहते हैं जम्मू में, और वोट डालना है आपको कश्मीर के वहां कैंडिडेट को जिसका आपको पता नहीं वो कौन है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जहां से आपको कोई फायदे लेने नहीं। तो ये जो वोटर है, ये वोटर इतना कंफ्यूज है कि हम जो वोटों का हमारा कोई फायदा भी नहीं बन
बनता है, एक तो ये हो गई। दूसरा जो मेन मुद्दा घर वापसी का भी आपने जो बात कही, पिछले चुनाव में भी जितने भी चुनाव 96 में मिलिटेंसी के बाद 6 साल तक तो गवर्नर रोल रहा, उसके बाद 96 में पहली जो गवर्नमेंट आई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, वहां जो J&K की जगह मैं बात कर रहा हूँ, हर चुनाव में कश्मीरी पंडितों को वापस घर जाने की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बात ही हो रही है, उसके आगे कभी ये ज्यादा ही बढ़ नहीं पाई। पिछली बार भी जब 2014 में पार्लियामेंट्री चुनाव में भी हमारे प्रधानमंत्री ने काफी रैलियां की है, रैली में ये बातें उठ रही थी कश्मीर, लेकिन आज तक ऐसा कहीं कोई एग्जाम्पल सामने नहीं है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वो वापस जाए। अगर मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं गांव में वहीं बस पाऊँ, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बन पा रही। उसका रीजन ये है क्योंकि जब कश्मीरी हिंदू वहां से निकल के आया, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हेडअप हो गई, वो एनक्रोच की गई है। उसके लिए गवर्नमेंट ने 96 में कानून बनाया था कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसका कस्टोडियन रहेगा, उस प्रॉपर्टी को जो अबेंडन की गई है, जो बेचारे लोग भागे अपने घरों से, वो जमीन को, वो मकान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अधिकार दिए गए, लेकिन वो भी पेपर पे है, हड़प की गई है वो सारी प्रॉपर्टी। एक भी आदमी, अगर मैं भी अपने गांव जाना चाहूंगा, मुझे लोकल आदमी ही जिसने वो हड़प की हुई है वही नहीं चाहेगा कि ये वापस आ जाए। ये एक्चुअल स्थिति ये है कि भाषणों में जो भी कहा जाए, इस टाइम भी पूरा कश्मीर, कश्मीरी पंडित, वो सब चीजें रैलियों में हम सुनने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, ना किसी का अटेम्प्ट, सीरियस अटेम्प्ट भी नहीं है। सीरियस अटेम्प्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम उतनी मेजोरिटी में नहीं है, भले ही हम इंडिया में मेजोरिटी में है लेकिन कश्मीर में हम माइनॉरिटी में है। नहीं, राजदान साहब ये बताएं कि आप कश्मीर में कहां के रहने वाले हैं? कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हमारा है, पहलगाम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेंस की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक रूरल एरिया गांव है, सालिया उसका नाम है, जहां का मैं रहने वाला। मैं भी 89 में पलायन करके, हमारी फैमिली भी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली थे वहां पे, हमारे अंकल, हमारी 17-18-19 लोगों की फैमिली थी, वही एकदम से निकल के अब हमारे 18 मेंबर की फैमिली को कम से कम 9 घर हो गए हैं। कोई कहीं रह रहा है, 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 और ये हमारी बात नहीं है, हर फैमिली में ही बात हुई। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अनंतनाग है, लेकिन असेंबली सेगमेंट पहलगाम। मैं राजदान साहब ये जानना चाह रहा था कि आप अगर वोट देते हैं, देना चाहें, तो ये जो एम और 12C फॉर्म का जो फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो फॉर्मेलिटी, आपको ना ये अटेस्ट कराना पड़ता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आपको सारी चीजें, वो फिर आपको बैलेट पे, दो चीजें होती है, एक तो आप बैलेट पेपर किससे, तो आपको पहले पोस्ट जाता था, आपके एडवांस में ही पहुंच जाता था वहां पर, उसके बाद उसकी काउंटिंग पहले होती थी, लेकिन अब इन्होंने जो लोकल लेवल पे भी, लोकल लेवल क्या मतलब, कुछ बूथ बाहर भी रखे हुए हैं जैसे जम्मू शहर में है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है जैसे कि आम मतदाता है उसको सिंपल गया तो देखा आपने नाम है, क्योंकि उसका डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है, कॉन्स्टिट्यूंसी वो है, हम किसी और जगह से दे रहे हैं वोट, तो ये कुछ डिफिकल्टी इसमें बीच में आ रही है, इसलिए लोग नहीं पेपर। नहीं, ये तो ये जानबूझ के है कि ये जानबूझ के है, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ राजदान साहब, और ये जानबूझ के है कि कश्मीरियों को किसी तरह से कश्मीर से बाहर कर दिया जाए, उनके वोटर राइट्स भी नहीं रहे। राजदान साहब, आपको बहुत बहुत आपके प्रति आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग फिर आपसे बातचीत करेंगे समय समय पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये जो समीक्षा है और ये जो कश्मीरी पंडितों का मसला खड़ा हो गया है और इसको खड़ा होना ही था पोस्टमार्टम के दरमियान, ये जो विसरा है इसको बाहर निकल कर आना ही था, इसकी रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करेंगे, उसके बाद ही अगली खबर पर बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।